1966 ये वो साल था जब इस्कॉन की स्थापना हुई थी। इसके बाद स्वामी प्रभुपाद वृंदावन चले गए, जहां वो 16 साल रहे। इसके बाद वो अमेरिका चले गए। यहां उन्होंने 1966 में विधिवत तौर पर इस्कॉन की स्थापना की थी। उन्होंने 13 जुलाई 1966 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसकी स्थापना की। शुरुआत में उन्होंने उन अमेरिकी लोगों को इससे जोड़ा जिन्हें समाज से बहिष्कृत किया गया था। ऐसे लोगों को हिप्पी कहा जाता था। इस्कॉन के माध्यम से इन लोगों को भगवद गीता का अर्थ समझाया और आज देश विदेश में लाखों लोग इस्कॉन संस्था के अनुयायी हैं। मैं, आप, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस्कॉन टेम्पल जाते होंगे, कृष्ण की उपासना करते होंगे। देखिए, भगवान कृष्ण की उपासना के दुनिया भर में कई केंद्र हैं, ढेरों मंदिर हैं, अनेकों संस्थाएं हैं, लेकिन कृष्ण की भक्ति और भगवद गीता के संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने का काम ये संस्था करती है, और इसी में से एक है इस्कॉन। इस्कॉन का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। इस्कॉन के दुनिया भर में 1000 से ज्यादा केंद्र हैं। अकेले भारत में इसके 400 केंद्र हैं और यहां तक कि पाकिस्तान में भी इस्कॉन के 12 मंदिर बने हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस्कॉन स्थापना का विचार वीरभूमि झांसी में ही आया था? जी हाँ, इस्कॉन के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज इसकी शुरुआत झांसी से करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने शुरुआत में आपको बताया भी। आज मैं इस्कॉन की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इस्कॉन पर एक विवाद छिड़ गया है। देखा जाए तो मेनका गांधी ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और सांसद हैं मेनका गांधी, जिन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन पर अपनी गौशाला की गायों को कसाइयों के बेचने के आरोप लगा दिए। वो वीडियो आगे मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। वीडियो देखिए, फिर आगे पूरा क्या मामला था मैं आपको समझाऊंगी। सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सुखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद ही किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या होगा। तो सुना आपने, मेनका गांधी ने खुले तौर पर किस तरह से इस्कॉन को लेकर बयान दिया है। इसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो वीडियो आपने अभी देखा। मेनका कहती हैं कि मैं अनंतपुर गौशाला गई थी जो इस्कॉन संचालित करता है। वहां पर गाय की स्थिति एकदम खराब थी। गौशाला में कोई भी बछड़ा नहीं था, जिसका मतलब है कि वहां गाय के बच्चों को बेच दिया जाता है। आगे वो आरोप लगा रही हैं कि संस्था इन गौवंशों को कसाईयों को बेच देता है जो उन्हें मार देते हैं। बताया भी जा रहा है कि मेनका गांधी का वीडियो तकरीबन एक महीने पुराना है। वही इस्कॉन के कम्युनिकेशन डायरेक्टर विजेंद्र नंदन दास ने बीजेपी सांसद मेनका गांधी के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस्कॉन मेनका गांधी के दिए गए झूठे बयानों की निंदा करता है, उनका आधारहीन बयान, इसकी हम निंदा करते हैं। इस्कॉन के अनंतपुर गौशाला में 240 से ज्यादा गाय हैं जो बिल्कुल दूध नहीं देती। वहां सिर्फ 18 से 19 गाय ही दूध देती है। सभी गायों की बहुत ही प्रेम से देखभाल की जाती है। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। डीएम, सांसद, विधायक, स्वास्थ्य अधिकारी ने भी कहा कि मेनका गांधी का बयान बिल्कुल गलत है। उन्होंने मेनका गांधी से पूछा कि पहले तो वो ये बताएं कि वो गौशाला कब गई थी। उन्हें पता होना चाहिए कि इस्कॉन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और 50 साल से ज्यादा वक्त से सनातन धर्म की सेवा कर रहा है। अब यह बात आ जाती है कि सनातन धर्म, जिसको लेकर पहले ही बहुत बवाल हो चुका है, सनातन धर्म क्या इस्कॉन से जुड़ा हुआ है? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, कृष्ण की उपासना होती है और सनातन धर्म से जुड़े कृष्ण है और हम सनातन धर्म से जुड़े हैं तो हम भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, सनातन धर्म से इस्कॉन का कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण का तो है लेकिन इस्कॉन का कोई लेना देना नहीं है। गौ माता हमारी माँ है, हम पूरी दुनिया में गौ माता की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, इस्कॉन की तरफ से कहा जा रहा है। भारत भर में 60 गौशालाएं, बहुत सारी बातें हुई, ख्याल रखते हैं, तमाम चीजें करते हैं, लेकिन ये आरोप लगाना बेहद गलत है। मंशा क्या है इसके पीछे, ये तो मेनका गांधी बता सकती हैं। अब सवाल ये है कि मेनका गांधी के बयान के बाद इस्कॉन ट्रस्ट जो है वो चर्चाओं में आ गया है। अब
आपको इस ट्रस्ट के इतिहास और ये कैसे काम करता है इसके बारे में मैं जल्दी से बता देती हूँ। इस्कॉन की स्थापना का सफर, कृष्ण की भक्ति को जन जन तक पहुंचाने का स्वामी प्रभुपाद का सफर काफी दिलचस्प रहा। इस्कॉन की माने तो शुरुआत में प्रभुपाद ने पश्चिमी देशों में भगवान कृष्ण का संदेश फैलाने के लिए वृंदावन छोड़ दिया था। भगवान कृष्ण की किताबों से भरा ट्रक लेकर बोस्टन पहुंचे थे। शुरुआत में उन्होंने श्री कृष्ण के संदेश लोगों तक पहुंचाने में काफी समय लगा, लेकिन फिर लोगों की नजर उन पर पड़ी। धीरे धीरे लोग उनकी व्याख्यानों में शामिल होने लगे, लेकिन कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं जिसमें जो कहते हैं कि हम इस्कॉन के भक्त हैं, हम इस्कॉन के लिए लगातार उस संस्था के लिए काम करते हैं, हम कृष्ण की सेवा करते हैं, कुछ ऐसे विवादित वीडियो जो हैं वो सामने आ रही हैं। उन वीडियो में कुछ विदेशी महिलाएं हैं जो अतरंगी से कपड़े पहनकर, जो कि भारतीय संस्कृति को तो बिल्कुल नहीं सुहाते हैं या प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते। इन कपड़ों को पहनकर वो जो आप देखेंगे कि इस्कॉन के जो इसको बढ़ावा देते हैं, जो प्रचार प्रसार करते हैं, वो हाथों में आप किताब लेकर, ढोलक लेकर, माथे पर चंदन लगाकर उसका प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं बहुत सारे ऐसे, और भगवा धारी करके रखते हैं। लेकिन उसमें कुछ महिलाएं हैं जो अर्धनंग कपड़ों में इस ढोलक की ताल पर नाचती हुई नजर आ रही है, तो लोगों के मन में संदेह उठ जाता है। 1966 तक न्यूयॉर्क में प्रभुपाद रहे, जहां उन्होंने हर हफ्ते भगवद गीता पर व्याख्यान देना शुरू कर दिया। इसके बाद न्यूयॉर्क में इस्कॉन की स्थापना हो गई। 1966 से 1978 के बीच काफी संख्या में अनुयायी उनके मिशन में शामिल हुए। उसके बाद श्री प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस, सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, सांता फ्रे, मॉन्ट्रियल और न्यू मेस्को में जैसे शहर मंदिर की स्थापना कर दी। दे कैनेडा, यूरोप, मैक्सिको, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारत में कई मंदिरों का उद्घाटन किया गया। इस्कॉन के विकास की देखरेख के लिए 1970 में एक संस्था भी स्थापित की गई। अब इस्कॉन का संचालन कैसे होता है जरा मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस्कॉन ट्रस्ट का कोई मालिक नहीं है। साल 1977 में इसके संचालन के लिए श्रील प्रभुपादन ने एक ग्रुप की स्थापना की थी जिसे गवर्निंग बॉडी कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसकी बैठक हर साल पश्चिम बंगाल के मायापुरा में होती है, जहां वोटिंग के जरिए प्रस्ताव पास किया जाता है। इस्कॉन का हर मंदिर अपना कामकाज खुद देखता है। 50 सालों में इस्कॉन कितना बढ़ा, बहुत तेजी से। इस समय इस्कॉन दुनिया की प्रमुख धार्मिक संस्था बन गई है और बढ़ रही है। दुनिया भर में इस्कॉन के 500 बड़े सेंटर मंदिर और ग्रामीण समुदाय है। इसके अलावा से जुड़े 100 शाकाहारी रेस्टोरेंट भी हैं। आप देखिए कुछ तो इसके पीछे छिपा हुआ है। दुनिया भर में इस्कॉन के लाखों सदस्य हैं। 1972 में भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। इस्कॉन के अनुसार ही भगवान कृष्ण की पुस्तकों के सबसे बड़े प्रशासकों में से एक थे। गौसेवा इस्कॉन का अहम हिस्सा है और इसी वजह से अब ये चर्चा में आ गया है, क्योंकि इस्कॉन जगह जगह गौशालाएं चलाकर गौसेवा करता है। हरा चारा खिलाया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। इस्कॉन का मानना है कि गाय धरती माता की प्रतिनिधि है और उसकी रक्षा करना, उनकी सेवा करना सबसे बड़ा काम है। भारत में पहली बार इस्कॉन की स्थापना कब हुई थी, 1975 में वृंदावन में। इस मंदिर में सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा बेंगलुरु का इस्कॉन मंदिर सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर माना जाता है। 1997 में यह स्थापित किया गया था और मुंबई में साल 1978 और दिल्ली में साल 1984 को इस्कॉन मंदिर की स्थापना हुई थी। इस्कॉन सेंटर्स के डाटा के अनुसार 1975 से अब तक भारत के लगभग अलग अलग शहरों में 238 इस्कॉन मंदिर स्थापित किए जा चुके हैं। भारत में इस्कॉन के अनुयायी लोगों को कृष्ण भक्त से जोड़ने का काम भी करते हैं, साथ ही जगह जगह लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। बहुत सारे इसके अनुयायी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आलोचना करते हैं कि सनातन धर्म से मत जोड़िए आप, कृष्ण का नाम लेकर आप सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं और पैसा जो है ट्रस्ट का, जो भी चढ़ावा आता है, जो भी पैसा आता है, वो सारा का सारा अमेरिका जाता है। इस तरह के आरोप भी लगते रहे हैं। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करती हूं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ऐसे आरोप लगे हैं। इस्कॉन का उद्देश्य जीवन के मूल्यांकों के असंतुलन को रोकना और दुनिया में वास्तविक एकता और शांति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और कृष्ण के प्रति चेतना का प्रचार है। ये काम होता है। अब फटाफट से जान लीजिए कि विवादों में कब कब इस्कॉन आया। साल 2023 में इस्कॉन ने अपने पुजारी पर प्रतिबंध लगाया। इस्कॉन मंदिर पहले भी कई बार विवादों में रह चुका है। इसी साल इस्कॉन प्रबंधन द्वारा अपने पुजारी उमेघ लीला दास पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस्कॉन ने यह फैसला स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के बारे में टिप्पणियों के बाद लिया। साल 2018 में धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश करने का आरोप लगा। अहमदाबाद के हरे कृष्ण मंदिर पर धर्म और आध्यात्मिक के नाम पर युवाओं को ब्रेन वॉश करने का भी आरोप लगा था। यह आरोप झारखंड में रहने वाले एक परिवार ने लगाया था। उनका कहना था कि उनके बेटे प्रशांत का ब्रेन वॉश कर उसे लोगों से दूर किया जा रहा है। हालांकि इस्कॉन ने इन आरोपों को गलत बताया। साल 2016
शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इस्कॉन पर धर्मांतरण का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि इस्कॉन कृष्ण भक्त के नाम पर हिंदुओं को बरगलाकर उनका धर्मांतरण करने में जुटा हुआ है। इस्कॉन के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख विजेंद्र नंदन दास ने शंकराचार्य के बयान पर हैरानी जताते हुए एक आरोप की पूरी तरह से खंडन कर दिया। उनका कहना था कि धर्मांतरण जैसी बात कहना बेमानी है, इस्कॉन तो कृष्ण भक्त का संदेश है और गीता के प्रचार प्रसार में जुटा रहता है। 1992 में पीपल्स फॉर एनिमल नाम की संस्था की स्थापना मेनका गांधी ने की थी और संस्था की वेबसाइट में दी गई जानकारी के मुताबिक पशुओं के बचाव के लिए 26 अस्पताल, 165 यूनिट, 60 मोबाइल यूनिट, 2.5 सदस्यों को जोड़ा जा चुका है। संस्था का उद्देश्य भारत के सभी 600 जिलों में जानवरों की मदद और उनके बचाव के लिए यूनिट खोलना था। ये मेनका गांधी ने एक यूनिट खोली थी। अब मेनका गांधी ने सवाल क्यों उठाया है, इसके पीछे क्या वजह है, ये तो मेनका गांधी ही बता सकती है, लेकिन बवाल खूब मचा हुआ है। अब आप भी कमेंट करके बताइए कि आप इस्कॉन के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि इस्कॉन का मकसद है गीता का प्रचार प्रसार, या फिर लोगों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो इतना पैसा इस्कॉन पर आता है वो बाहर भेजा जा रहा है? कुछ भी हो सकता है। कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो कैसे लगा ये भी बताइएगा। धन्यवाद।